तो हेलो यार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखने को, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस कर देना, ठीक है। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा फेस को कैसे स्मूथ कर सकते हो और हेयर को भी स्मूथ करना सिखाऊंगा। देख सकते हो और फोटो का बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो चलिए यार, वीडियो को कर लेते स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करके। तो यार, सबसे पहले अपने फोटो को शेयर करना है लाइटरूम ऐप के अंदर, ठीक है। तो यार देख सकते हो, लाइटरूम ऐप के अंदर अपने फोटो को हमने शेयर कर लिया, ऑल फोटो पर अपना फोटो आ गया। यार देख सकते हो, हमने ये फोटो हमने शेयर किया था, ठीक है। आपको इसकी कलर को ठीक ठाक करेंगे, तो कलर को ठीक ठाक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लाइट ऑप्शन पर। लाइट ऑप्शन पर जाने के बाद लास्ट में आपको ब्लैक को थोड़ा आपको माइनस करके, वाइट को भी थोड़ा माइनस करके, शैडो को आपको थोड़ा इंक्रीज करके, हाईलाइट को भी थोड़ा आपको माइनस कर देना, ठीक है। अब इस फोटो को कर देंगे डन। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन पर जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो, विग्नेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, विग्नेट को थोड़ा आपको इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एक कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, लाइक कलर ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, ठीक है। कलर ऑप्शन पर जाने के बाद इसकी विग्नेट को थोड़ा आपको इंक्रीज करके ऊपर एक मिक्स टूल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस मिक्स टूल पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फेस का कलर को आपको ठीक करना है। तो फेस का कलर का आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर के लुमिनेंस को आपको पूरा आपको 100 कर देना है और सैचुरेशन को आपको डिक्रीज थोड़ा आपको कर देना है, ठीक है। आपको आना है रेड ऑप्शन पर, ठीक है। रेड ऑप्शन पर आने के बाद इसकी लुमिनेंस को आपको थोड़ा इंक्रीज करके सैचुरेशन को थोड़ा आपको माइनस कर देना, ठीक है। सैचुरेशन को थोड़ा माइनस, लुमिनेंस को पूरा आपको 100 प्लस कर देना। आपको ग्रीन ऑप्शन पर आने के बाद इसकी सैचुरेशन को आपको माइनस कर देना है और येलो को भी माइनस कर देना है, ठीक है। देख सकते हो यार, फोटो का बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। देख सकते हो हमारा फेस काफ़ी गोरा लग रहा है, ठीक है। अभी इस फोटो को क्या करेंगे, फोटो को शेयर कर देंगे। अभी इस फोटो को शेयर, ऊपर के शेयर का ऑप्शन आपको दिखे, शेयर करेंगे अभी इस फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर, ठीक है। तो यार देख सकते हो, स्नैपचैट ऐप के अंदर आने के बाद आपको जाना पड़ेगा पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। पेंसिल ऑप्शन पर जाने के बाद देख सकते हो, एक सिलेक्टिव ऑप्शन आपको दे रही है। सिलेक्टिव ऑप्शन पर क्लिक करके अपने फेस के ऊपर, अपने बॉडी के ऊपर जहाँ जहाँ आपको ब्राइटनेस चाहिए, कुछ इस तरीके से आपको सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को आपको इंक्रीज करके सैचुरेशन को आपको डिक्रीज कर देना है, ठीक है। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी यार कर लेना। तो गाइस देख सकते हो, फोटो का बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। अभी इस फोटो को क्या करेंगे, नीचे एक राइट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, राइट ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक, ठीक है। देख सकते हो हमारा फेस काफ़ी गोरा लग रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करके एक डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको आपको दोनों को आपको 100 प्लस कर देना है, कि इसको नीचे का भी दोनों आपको 100 प्लस कर देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फोटो को आपको कर देना है राइट, ठीक है। ऊपर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है लेयर का, लेयर ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे ऑप्शन दिख रहा है व्यू एडिट, व्यू एडिट पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो डिटेल्स का ऑप्शन आपको दिख रहा है, डिटेल्स पर क्लिक करके इस वाले ब्रश को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, फोटो को जूम करके अपने हेयर के ऊपर कुछ इस तरीके से डिटेल्स ऐड कर लेना है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। हाँ तो गाइस देख सकते हो, फोटो का बिफोर एंड आफ्टर मैं दिखा सकता हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अभी इस फोटो को कर देंगे राइट, ठीक है। आपको क्या करना है, बैक कर देना है। बैक करने के बाद फिर से आपको जाना पड़ेगा पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। पेंसिल ऑप्शन पर जाने के बाद फिर से आपको क्लिक करना है डिटेल्स पर, अपने हेयर पर और भी डिटेल्स हमने ऐड करना है। आपको क्या करना है, दोनों को भी आपको 100 कर देना, नीचे का आपका दोनों को भी आपको 100 करके फिर से आपको फोटो को कर देना है राइट, ठीक है। आपको क्लिक करना है ऊपर लेयर पर, लेयर पर क्लिक करने के बाद एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है व्यू एडिट, ठीक है। व्यू एडिट पर फिर से क्लिक करके इस वाले ब्रश को आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। डिटेल्स पर क्लिक करके इस वाले ब्रश को आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यार देख सकते हो, फोटो को जूम करके अपने हेयर के ऊपर कुछ इस तरीके से फिर से आपको चला लेना, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी कर लेता हूँ।
तो गाइस देख सकते हो अपने हेयर के ऊपर डिटेल्स हमने ऐड कर लिया। देख सकते हो जहाँ जहाँ अच्छे से अप्लाई नहीं हुआ आपको यार बढ़िया तरीके से आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। देख सकते हो मैं फोटो का बिफोर आफ्टर मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हो और फोटो का बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको क्या करना है हेयर को स्मूथ करना, ठीक है। तो आपको हेयर को स्मूथ करने के लिए आपको क्या करना है, फोटो को सबसे पहले आपको लाइट करना है। लाइट करने के बाद आपको क्या करना है, अभी इस फोटो को शेयर करेंगे टू लुइंस ऐप के अंदर, ठीक है। ऊपर एक शेयर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके आपको फोटो को शेयर करना है टू लुइंस ऐप के अंदर। हाँ तो यार देख सकते हो टू लुइंस ऐप के अंदर अपने फोटो को हमने ओपन कर लिया। आपको क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन आपको दे रहे इफेक्ट का ऑप्शन, ठीक है। इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है आपको। इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो ऑप्शन आपको दे रहे सॉफ्ट एंड मॉच, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, 3 ऑप्शन पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। 3 पर सिलेक्ट करके क्या करना है, आपको क्लिक करना है मार्क्स ऑप्शन पर। देख सकते हो नीचे मार्क्स का ऑप्शन आपको दे रही है, मार्क्स ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या कर देना है, आपको क्लीन कर देना। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई करके अपने फोटो के हेयर के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। देख सकते हो फोटो को जूम करके अपने हेयर के ऊपर बढ़िया तरीके से आपको अप्लाई कर देना। तो यार देख सकते हो हमारा हेयर काफ़ी स्मूथ हो गया, ठीक है। देख सकते हो फोटो का बिफोर आफ्टर मैं दिखा सकता हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, फिर से आना है इफेक्ट ऑप्शन पर, ठीक है। इफेक्ट ऑप्शन पर आने के बाद 1 2 3 4 5 जो भी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। मैं आपको क्या करना है, आपको 3 पर ही आपको बेस्ट लगेगा, ठीक है। मैं 3 पर ही रख देता हूँ, आपको जितना रखना है आप रख सकते हो, अपने फोटो के हिसाब से आप रख सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, ऊपर एक राइट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आपको राइट पर आपको कर देना है क्लिक। फोटो को राइट करने के बाद एक कॉर्नर में एक ऑप्शन आपको देख रहे हैं, उस पर क्लिक करके एक ऑप्शन आपको निकल जाएगा, देख सकते हो सेव एंड शेयर, ठीक है। इस पर क्लिक करके अब इस फोटो को शेयर करेंगे ऑटो स्केचबुक ऐप के अंदर, ठीक है। देख सकते हो ऑटो स्केचबुक ऐप के अंदर अपने फोटो को शेयर करने, मोर पर क्लिक करके ऑटो स्केचबुक ऐप के अंदर अपने फोटो को आपको शेयर कर लेना है, ठीक है। हाँ तो यार देख सकते हो ऑटो स्केचबुक ऐप के अंदर अपने फोटो को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। आपको क्या करना है, फेस को स्मूथ करना है। तो फेस को स्मूथ करने के लिए आपको जाना पड़ेगा ऊपर एक पेंसिल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, पेंसिल ऑप्शन पर जाने के बाद आपको नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। आपको आना है स्मॉज ऑप्शन पर, ठीक है। स्मॉज ऑप्शन पर आने के बाद सबसे पहले नंबर पर एक ब्रश आपको दिख रही है, इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करके आपको जाना है सेटिंग पर। सेटिंग कुछ इस टाइप का सेटिंग आपको रख लेना है, ठीक है। देख सकते हो सेटिंग कुछ इस टाइप का रखने के बाद अपने फेस के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको ब्रश कर देना, ठीक है। मैं यार जल्दी जल्दी कर ले तो नहीं यार वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो गाइस देख सकते हो हमने फेस काफ़ी बढ़िया तरीके से स्मूथ कर लिया। अभी आपको हेयर को कट करेंगे, तो हेयर कट करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर जाने के बाद देख सकते हो एक स्केल का ऑप्शन आपको दे रहे हैं। स्केल ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप से आपको एडजस्ट करके आपको ऐड कर लेना है। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको भी यार बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। इस वाले स्केल को आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो ऊपर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है पेंसिल का, ठीक है। पेंसिल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। पेंसिल ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है स्मॉज ऑप्शन पर आने के बाद इस वाले ब्रश को सिलेक्ट आपको कर लेना है। देख सकते हो इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। सेटिंग पर क्लिक करके कुछ इस टाइप का आपको सेटिंग रख लेना, ठीक है। देख सकते हो कौन सी सेटिंग में रख रहा हूँ, आपको भी रखने के बाद कुछ इस टाइप से आपको ने हेयर के ऊपर आपको ब्रश करना है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको हेयर के ऊपर आपको हेयर कट कर लेना, ठीक है।
तो यार देख सकते हो हमने लाइन ऐड कर लिया अपने हेयर के ऊपर। आपको क्या करना है, टी शर्ट को कलर करना है। टी शर्ट को कलर करने के लिए आपको जाना पड़ेगा लेयर ऑप्शन पर, ठीक है। एक और लेयर को आपको ऐड कर लेना है, प्लस ऑप्शन पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर को आपको ऐड कर लेना, ठीक है। आपको जाना पड़ेगा पेंसिल ऑप्शन पर, ठीक है। पेंसिल ऑप्शन पर जाने के बाद आपको लाइब्रेरी में आ जाना है। देख सकते हो इस वाले ट्रेडिशनल सेटिंग पर आने के बाद इस वाले ब्रश को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देख सकते हो ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन आपको दिख रहा है। सेटिंग पर आने के बाद कुछ इस टाइप का सेटिंग आपको रख लेना है। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आपको एक बार रख लेना है कुछ इस टाइप का सेटिंग, ठीक है। आपको क्या करना है, ब्लेंड ऑप्शन पर क्लिक करके आपको कर देना है मार्कर, ठीक है। देख सकते हो मार्कर करने के बाद ऊपर एक कलर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। जो भी टी शर्ट के ऊपर कलर रखना चाहते हो आप रख सकते हो, ठीक है। देख सकते हो कलर ऑप्शन पर आने के बाद काफ़ी सारे आपको कलर दिख जाएंगे। मैं रेड कलर को सिलेक्ट करके कुछ इस टाइप से आपको चला लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो यार देख सकते हो हमने टी शर्ट कलर कर लिया। आपको क्लिक करना है लेयर ऑप्शन पर, ठीक है। लेयर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको लेयर पर क्लिक करने के बाद एक ब्लेंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है। ब्लेंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है कलर डोडेज, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो हमारा टी शर्ट का कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी देख सकते हो ऊपर एक थ्री डॉट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद अब इस फोटो को शेयर करेंगे स्नैपचैट ऐप के अंदर। तो यार देख सकते हो स्नैपचैट आपके अंदर आने के बाद आपको जाना है टूल ऑप्शन पर, ठीक है। टूल ऑप्शन पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है डबल एक्सट्रूजर, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है प्लस ऑप्शन पर जाने के बाद एक और फोटो को आपको ऐड, लाइट पीएनजी को आपको ऐड कर लेना है। हाँ तो यार देख सकते हो लाइट पीएनजी हमने ऐड कर लिया, ठीक है। नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है ब्लेंड ऑप्शन, ठीक है। इस पर आने के बाद आपको कर देना है एडीडी। देख सकते हो आपको क्लिक करना है एडीडी पर। क्लिक करने के बाद इसकी ओपेसिटी को आपको थोड़ा कम कर लेना है अपने फोटो के हिसाब से। देख सकते हो और फोटो अपना काफ़ी बढ़िया लग रहा है, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके, चैनल पे नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। देख सकते हो हमारा फोटो काफ़ी बढ़िया तरीके से एडिटिंग हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।